अकबर अपने वालिदन के साथ रहता था। वालिद मोची थे। अकबर सरकारी स्कूल में पढ़ता था। इसे कहानियों पढ़ने का शौक था। वो हर वक्त सोचता था कि काश मैं किसी मुल्क का राजा होता, मैं बहुत अमीर होता, जो चाहता वो करता। वो अक्सर ख्वाब देखता कि वो राजा बन गया है, सब इसके एहतराम में खड़े हैं। आलेशान महल है जहां वो हीरे जवाहरात के तख्त पर बैठा है, मगर जब वो उठता है तो खुद को इस चारपाई पर पाता। एक दिन अकबर अपने घर के करीब जंगल में गया। अचानक उसने एक बिल्ली देखी। इसने देखा कि बिल्ली के पैर में कोई नोकीली चीज चुभी हुई है। वो बिल्ली के पैर से नोकदार चीज निकालता है तो वो बिल्ली एक खूबसूरत परी में तब्दील हो जाती है। वो परी कहती है, तुमने जादुई तीर निकालकर मुझे आजाद कराया, मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, इसलिए तुम्हारी कोई दो ख्वाहिश पूरी करूँगी। अलामत वावन। अकबर जल्दी से कहता है कि मुझे किसी मुल्क का राजा बना दो। परी ने कहा, आंखें बंद करो। अकबर ने आंखें खोली तो वो हैरान रह जाता है। वो तख्त पर बैठा है, सब दरबारी इसके एहतराम में खड़े हैं। एक दरबारी कहता है, हुजूर वाला, आपके लिए खाना तैयार है। खाना देखते ही इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना लजीज खाना उसने पहले कभी नहीं खाया था, मगर उसके साथ कई मसले दरपेश आते हैं। लोग इसके पास अपने झगड़ों के फैसले कराने आने लगे, मगर वो दुरुस्त फैसले नहीं कर पाता। ज्यादा खाना खाने की वजह से वो बीमार रहने लगा। अकबर निजाम हुकूमत सही तरीके से संभाल नहीं पाया, इसलिए पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इसके मुल्क की कमजोर हालत देखकर हमला कर दिया। अकबर को जंग में लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए वो हार गया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इसे कैद कर लिया। इसे लजीज खाने के बजाय जेल का बासी खाना मिलता है। वो अपने वालिदन को, अपने घर को याद करता है, जहां पर उसे कोई मुश्किल नहीं थी, इसकी तबीयत ठीक रहती थी, इसे खाने को खालिस खिजा मिलती थी। इसे परी की बात याद आई। इसने मशरक की तरफ मुंह करके तीन तालियां बजाएं। परी आई तो उसने कहा, मुझे पहले जैसा बना दो। परी ने कहा, आंखें बंद करो। आंखें खोली तो देखा कि वो उसी जंगल में है। अब पछतावा किया होता जब चिड़िया चुग गई खेत।